सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के सिकटिया हाई स्कूल के प्रांगण में नेशनल क्रिकेट क्लब के तरफ से फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया। बताते चले कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट मैच जिला पार्षद के प्रत्याशी जियाउल हक के तरफ से कराया गया। और आपको बताते चले कि जियाउल हक अपने क्षेत्र में लगातार समाज और समाज से जुड़ करके लोगों के लिए समाज सेवी का काम करते आए हैं। फाइनल मैच ईसुआपुर और छपरा के बीच खेला गया। वही व्यवस्थापक के रूप में सुरेश प्रसाद कुशवाहा, विजय शर्मा, शिक्षक अवधेश बाबू, अनुराग उपाध्याय कार्यरत रहे। मंच का संचालन सोनू कुशवाहा कर रहे थे। ईसुआपुर महाराजगंज की टीम ने छपरा को 32 रनों से हराकर विजेता में अपनी जीत दर्ज कराई और जिला पार्षद प्रत्याशी जियाउल हक के तरफ से विजेता टीम को टीवीएस कंपनी का बाइक दिया गया। मौके पर मुखिया जयप्रकाश सिंह, मुखिया आजादी बाबू, मुखिया पति डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय, पैक्स अध्यक्ष बबन तिवारी, पूर्व सरपंच बाल बाबू सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। तो आपको एक बार फिर से बताते चले कि जियाउल हक जो कि जिला पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा इस तरीके से क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें ईसुआपुर और छपरा के बीच यह मैच खेला गया। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि मैच को देख भी रहे हैं। और उसके बाद से ईसुआपुर ने छपरा को 32 रनों से हरा करके कप पर अपना कब्जा जमा लिया। और उसके बाद से जियाउल हक के द्वारा विजेता टीम को पुरस्कार दिए गए, बाइक पुरस्कार के रूप में दिए गए। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं जो कि जियाउल हक है, और लगातार ऐसा नहीं है कि चुनाव ही लड़ रहे हैं तो वो क्रिकेट मैच करा रहे हैं। लगातार कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि रही है, जिसको लेकर के ये भी मैच का आयोजन कराया गया। और आने वाले चुनाव में वो लोगों के बीच जाएंगे ताकि जनता की सेवा और बढ़ चढ़ के कर सके। तो आइए दिखाते हैं सिकटिया से मंटू ओझा और पंकज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। देखेंगे सत्ता और ईसुआपुर टीम का बहुत ही ज्यादा है सर, यहाँ हजारों की राज्य लाखों धन्यवाद सर। तो यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या है। तो ये कहते हैं कि सिकटिया का एक दर्शन जो होता है ना हजार के बराबर होता है। धन्यवाद अनुराग उपाध्याय, शकुंतला देवी, पवन हेलो। जबरदस्त, क्या बात है। Once again, a hit six. इस ओवर में अमन ज्योति, अमन का अर्थ तो होता है शांति, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से खलबली मचा दिया है। छोटे कद के खिलाड़ी विवेक है, और अब ना ही राय है बल्लेबाजी करने के लिए। सुनो ना, अगर तरह की जो तो वही पता लगा नहीं, जो कि लोकल खिलाड़ी हैं बेहतरीन। आज विवेक का बल्ला बोले
लगा। हाँ और हैट्रिक छक्का, मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल है जहाँ भी आना, वो इधर आओ मोटरसाइकिल था। इसके साथ इस ओवर की समाप्ति। एकरा बारे में यह कहब कि हर गांव में हर जवार में बच्चा लोग आगे बढ़ के हिस्सा ले, बढ़िया प्रदर्शन दिखावे, बढ़िया मेहनत करे, जिला में जाओ, जिला से बिहार में जाओ, बिहार से राजधानी में जाओ, धोनी आ का बोलल जला सचिन वगैरह बन के दिखावे। आखिर का वजह बा कि बिहार से कोनो भी खिलाड़ी अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर ना पहुँचल? कहीं ना कहीं हमें बड़ नेता लोग के हाथ बटे, बड़ नेता लोग नहीं चाह। अगर एमपी विधायक चाहते ना तो अपना के यहाँ के भी अपना बिहार के एक से एक एक, एक, एक बढ़ के खिलाड़ी बढ़े, युवा के कमी नहीं है अपना के यहाँ। अपना के यहाँ तो कहो बिहारी बढ़े कि खाली छक्का पर छक्का मरिए, अगर नहला रही तो नहलो मरते, लेकिन अभी तक ले छक्के बावे खाली, लेकिन कहीं ना कहीं हमने के सांसद और विधायक जी लोग के कमी बटे, जमने के चलते अपना बिहार से युवा आज तक राजधानी में खेले ना गया। मैच कहाँ से कहाँ होता है? ये मैच ईसुआपुर बनाम छपरा। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम अजीत प्रसाद कुशवाहा उर्फ आजादी बाबू, ग्राम पंचायत राज देवरिया के वर्तमान मुखिया बनी। अभी अभी जोन विधानसभा के इलेक्शन भैल हटे ओकरा में रलोसपा पार्टी से हम उम्मीदवार नहीं है विधायक के महाराजगंज एक बारे विधानसभा से। पहले टूर्नामेंट के पहले मैं जो भी चैनल के माध्यम से यहाँ पहुँचे हुए हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये देहात है और देहात में आप लोग शहर से आ करके इस खेल मैदान को, ये खेल मैदान जो है ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना खेल मैदान है, लेकिन यहाँ के जो खेल को जो हमेशा कराते थे वो लोग धीरे धीरे अपना समय के हिसाब से चले गए, लेकिन अब नया पीढ़ी उत्पन्न हुई है और नया पीढ़ी चाहती है कि इस खेल मैदान को उसी तरह से इसको रखा जाए ताकि आगे वाली जो नया जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को यहाँ से खेलने का मौका मिले और खेल करके आगे बढ़ने का मौका मिले। स्थानीय मुखिया हैं आप, आपके तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी, मेरे यहाँ से ये खेल मैदान के प्रयास यही है कि ये तो खेल हो रहा है ईसुआपुर बनाम में छपरा, लेकिन हमारे तरफ से ये हुआ है कि ये खेल मैदान को मैं ही दुरुस्त किया हूँ। खेल मैदान ये सही नहीं था, खेल दर्शक लोग जो देख रहे हैं बैठ करके उसको भी मैं मिट्टीकरण और उसको सोलिंग कर इटकरण करा दिया हूँ। उसके अगल बगल जो भी लोकेशन इसका आने जाने का सही नहीं था उसको भी मैंने उसको सही सलामत कर दिया हूँ। और अभी वर्तमान में पोखर का है तो पोखर का हम लोग अपना प्रोसेस में लगाए हुए हैं, जैसे भी उसका विभाग द्वारा आदेश मिलेगा उस प्रोसेस को हम लोग चाहेंगे कि जो इसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ लोगों को बैठने के लिए सुविधा और पोखर का जो व्यवस्था है, यहाँ ये जो पोखर है ये भी बहुत पुराना पोखर है और यहाँ का जो विधि व्यवस्था है आज का नहीं है, बहुत पूर्वज से है, अंग्रेजी राज के समय से यहाँ का व्यवस्था बना हुआ है और ये व्यवस्था इसी गांव के जो स्थानीय जो यहाँ के जो मालिक थे उन्हीं लोगों का सारा ही ज़मीन है जो हम ही लोगों के परिवार से आते हैं। कहाँ कहाँ से मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है सुआपुर और छपरा। सबसे पहले हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकगण एवं इस न्यूज़ के माध्यम से जो भी देखेंगे उनको मैं शुक्रगुजार करूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। और मैच का खास उद्देश्य यही है कि युवाओं को एक प्रकार से प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र का और साथ साथ इन तमाम युवाओं का कुछ विकास हो, इसी के माध्यम से मैच खेलाया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है इनाम के? जी, इनाम के रूप में विजेता टीम के लिए TVS कंपनी की ओर से रेडियन बाइक रखा गया है और उप विजेता टीम को चेक के माध्यम से कुछ नगद इनाम रखा गया है, बाकी अदर ट्रॉफीज हैं। नहीं, खेल तो बहुत अच्छा चीज़ है, इससे युवाओं को ऊर्जा मिलता है, नहीं शुभकामना हम देते हैं कि लोग आगे बढ़े, जिला स्तर पर जाएं, प्रदेश स्तर पर जाएं,
पंचायत स्तर पर आप लोग से क्या आप लोग प्रयास करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? हम लोग बच्चों को जागृत करते हैं, तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग साथ में है तुम्हारे, हर जगह बच्चों के साथ हम लोग रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव नजदीक हो गया है, चुनाव जीतने के लिए मैच कराया? ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग का पाँचों साल का ही सिस्टम रहता है, हमेशा हम लोग समाज में रहते हैं, बच्चों को आगे हम लोग करते हैं। ये मैच कहाँ हो रहा है? मैच हो रहा है सिकटिया में, वो फील्ड यही है, मर्दमपुर मेरा पंचायत हुआ। आपके चैनल के माध्यम से इस सिकटिया ऐतिहासिक खेल मैदान में मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मेरा संदेश है कि जितने लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं सब मिल करके और खेल मैदान का विकास करें और खेल का प्रोत्साहन करें, खेल हो जिससे कि नौजवान अपना मान देश विदेश में भी बढ़ाएं, यही मेरी शुभकामना। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। मैं नहीं मेरा काम बोलता है, कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा, वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़ हनुमान चाय दुकान के पास सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। संगमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th, कनिष्क बिहार मैरवा रोड सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संगमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार मैरवा रोड सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक शांति वटवृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक शांति वटवृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, चार अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदें। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है, मकान हो या दुकान। अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले
इंडियन लाइट हाउस स्टेशन मोड सिवान प्रोप्राइटर फिरोज खान कॉन्टेक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्यास, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे हेयर फिक्सिंग न्यास, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट छपरा रोड दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्यास लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866 और 8789216171 पर। जेबा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर JR मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सी अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जांच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जेबा हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744।